तो राम राम जी, नमस्कार। मैं मनदीप आप सब भाइयों का स्वागत करता हूँ जी आज की इस वीडियो में। आज का छोटा सा वीडियो आप लेकर के हैं जी अपने छोटे से डेयरी फार्म से। पशुधन भी बिल्कुल आराम से बैठे हैं। आज अपने फोकर सिस्टम जो अपना चालू किया था, लगाए हुए तो कई दिन हो गए, लेकिन अभी स्टार्ट आज की है। अभी पानी का ड्रम अपने रखना इधर तो रखेंगे टेम्परेली। एक बार स्टार्ट कर दीजिए, एक बार अपने बंद कर रखे हैं। अभी बैठा था पास में, तभी एक बार 5-7 मिनट चल गए थे, अभी थोड़ा पानी बचा है इसके अंदर, तो एक बार रोज चला के दिखा दिया भाइयों को। बिल्कुल अच्छी ठंड दे रहा है अभी अंदर का जो मौसम है। तो ये देखिए अभी काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं, और आपने भी थोड़ा पानी कम ले इसके लिए थोड़ा सिस्टम करके देखिए, अगर कामयाब हुआ तो और किसी के लगाना तो इसे लगाएंगे। अभी इसमें 12 वोल्टेज का अपन लगाया है, क्योंकि आपने कम ही फोकर चलने थे भाई। अगर 10 12 15 20 हो तो बाबा इसमें 24 वाट की या 36 वाट की सप्लाई है वो देते हैं। अभी अपन भी अच्छा ही फोकर जो चलाए यहाँ पे 25 फुट की जो अपने बरंडे की जो लंबाई है 12 फीट चढ़ाई है अभी, तो अपने 5-4 पशुधन अभी बिल्कुल आराम से बैठे रहते हैं इसके अंदर खुले खुले। बिल्कुल अच्छी ठंड महसूस कर रहे हैं अभी, देखो आप बैठे हुए शांति से देख पा रहे हैं। आज आप घर पे थे, इन्हें गोबर का बटा दिया, नहीं तो भी नीचे ऊपर ही बैठ जाते भी। ये कटड़ी भी सामने अपनी बजरंगी लिजवाना की, और ये देसी गायें भी पाली थी, अच्छा दूध दे दे। एक पहले पाली थी वो भी को नहीं दूध पिलाया, और ये भी हुई 1.5 किलो दूध दे रही है। वो भी एक जना आगे खड़े और जना पीछे दूध निकालो, शांति से नहीं रहती ठीक है। और ये इसकी बछड़ी भी गौशाला भी ले गए थे, आपको वीडियो दिखाएंगे, टाइम लगा था, वीडियो बनी पड़ी है। इसका नहीं लेने का कारण रहा, यहाँ पे छोटा बच्चा था साथ में, तो उन्होंने बछड़ी लिए नहीं भी, बोले बड़ी गाय को छोड़ जाओ और छोटी को कर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे दाना खाना चारा तो खाए नहीं, खा नहीं सकती, ऊँची ठाण है, और बड़े पशुओं के साथ सब कुचल के मार देंगे बड़े पशु। छोटा दूध वाला में आप रखेंगे नहीं, क्योंकि गायें दूध नहीं देती, एक दूध देती तो आप खुद रख लेते, उनकी बात भी जायज़ है। देखते हैं भैया भैया कैसी रहेगी, इसको भी दाना खाना लग जाए या फिर इसको रख लेंगे, गाय को दे देंगे भी। कोई अगर दूध पीने के लिए कोई बीमार व्यक्ति लेना चाहता है, 1-2 किलो उसके लिए तो काफ़ी है, गाय का दूध नहीं मिलता, तो अपने से संपर्क कर सकते हैं जी। और ये फोकर सिस्टम अपन दिखाना था, अभी स्टार्ट किया हुआ, काफ़ी बढ़िया, अभी आप भी लगवा सकते हैं, कहीं भी आपको उपलब्ध हो। अगर अपने इस एरिया में लगवाना चाहते हैं तो भी अपने से संपर्क कर सकते हैं, अपना नंबर है 83076484465। वैसे भी ठंड का मौसम भी चल रहा है भाई, लेकिन भी अभी गर्मी बची हुई है, बादवे की गर्मी बोलते हैं आप, पास बाड़ी चुवाई का टाइम होता है उस टाइम पर भी काफ़ी हद तक गर्मी होती है। तो अगले साल भी ये ख़राब तो होना ही नहीं, तो 5-4 साल से अच्छा चल जाता है। अभी लास्ट वाली जुट्टी अपनी एक नंबर पे, उधर भी वो अपनी कोई नूर से बुल से गया बिना है, 2 नंबर पे जुली भी, इसको अपने सीडर लगवा करके अपने जो है श्याम बाड़ा किया बुल का जो यही करवाई है, सीमन रखवाया है, गैबिन है या नहीं है अभी। डॉके तो आज से स्टार्ट सुबह कर रखे थे इसने, शाम को करेगी पता चलेगा। अब 90% चांस होते हैं भी गैबिन रुकने के, बता रहे हैं डॉक्टर, अगर नहीं रुकती सीडर से तो फिर भी 21 दिन बाद जो है नेचुरली हिट में आती है, तब डॉके कर रही है अभी, पता कौन ये अपना AI के लिए गैप डॉके कर रही है या दोबारा तो हिट में आना है, तो लेकिन दोबारा आएगी तो भाई 21 दिन तो है नहीं, देखेंगे अभी क्या रहेगा इसका, बताएंगे आपको बाद में। और ये भी बजरंगी लिजवाना की, उम्र तो इसकी 2 साल लगभग होगी, लेकिन अपने नॉर्मल चराई में तैयार हुई है, तो नॉर्मली भी लगेगा इसका 6-1 महीने और तैयार होने में। अभी तेल वगैरह दिया अपन, 2.5 लीटर तेल दिया, 4 लीटर तेल देना है सरसों का, उससे अच्छी ग्रोथ होती है। और अभी भी ये एक बार बीमार भी होगी, सर्दी में मुँह खुर की बीमारी आई, 10-12 दिन इसने खाना नहीं खाया,
उसकी कमज़ोरी भी रहती है। और ये गाय भी देखने में अच्छी है, सुंदर शरीफ है, लेकिन दूध भी देती है, थोड़े बदलाव उठाती है, शरारती है उस टाइम पे, दूध वाले टाइम पे, तो वहीं पे शांत रहनी चाहिए। बाकी शांत है भैया, कोई खोल लो कोई बंद हो। तो धन्यवाद जिस भाइयों को अपना छोटा सा डेयरी फार्म है वो दिखाया आपको, पशुधन दिखाए, बैठे हैं बिल्कुल शांति से। जट्टी को बड़ी को तेल दिया था, इस करटे को दे रहे हैं, अच्छा चमक बन रही है शरीर में। बीच वाली जट्टी है इसको अपन दिया नहीं, क्योंकि एक बिघा बनाई, उसके बाद में अपा चेक करवा के भी दो ढाई भी नहीं होगी, इसके बाद में देंगे भी इसको। धन्यवाद इसी भाइयों को।